fabulous, it's mind-blowing. It's like speechless, I can't say anything about that movie because it's like all-time blockbuster for sure. It's going to break all the records, that's the guarantee. How was Salman Khan? Man, you must go and watch the movie if you have not seen, because at the age of 52, he has shown his that awesome body. It's like, that's fabulous. Like, anybody can't do it. No one can do it that. Okay, better than Ikta Tiger. Obviously, better than Ikta Tiger. Obviously, it's a sequel and it's like much better than Ikta Tiger. What about the chemistry between Katrina, Salman? In real life, it's like, I should not say that, but in real life also, they have a good chemistry. And in movie also, it's just mind-blowing. And out of 5 stars? 10 stars. Which part do you like the whole Tiger movie? All the action scenes, sir. All the action scenes. How is the chemistry between Tiger and Katrina and Salman? So, basically, the chemistry, like, the first part was more good. It's not so much, but it's outstanding. So, 5. It's very better. First part is a little slow, but second part is money. केमिस्ट्री तो सलमान एंड कैटरीना का मस्त है, ज़बरदस्त है और फिल्म देखने लायक है. एक था टाइगर के कंपेयर से अगर देखा जाए तो ये ही सुपर डुपर हिट होने वाली है. 4. सुपर अमेजिंग मूवी, अमेजिंग मूवी, म्यूजिक 1000. अमेजिंग, सीरियसली बहुत बकवास मूवी थी, ज़रा पसंद नहीं आई मुझे. सलमान खान से तो एक्सपेक्टेड नहीं था. सॉन्ग्स में नंबर 1 मूवी थी एज अ सॉन्ग परस्पेक्टिव में. अगर ओवरऑल मूवी देखा जाए तो मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा सर. एकता टाइगर के अगर एकता टाइगर के कंपेरेटिव नहीं है, 2 स्टार दूंगा मैं. 2 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जैसा एक्सपेक्टेशन था ना वैसे. टाइगर जिंदा, इनफैक्ट भाईजान जिंदा है, सलमान खान जिंदा है. आफ्टर ट्यूबलाइट आई थिंक ही इज बैक अगेन, बैक विद अ बैंग. बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अ लॉट. 5 उससे ऊपर आता है, 5 से ऊपर कुछ वो भी दे दो. मूवी ऑसम, ऑफ कोर्स ऑसम. द मूवी वाज सुपर, माइंड ब्लोइंग. एक्शन बहुत अच्छा है, रोमांस भी अच्छा है. बोथ पेयर आर वेरी नाइस एंड आई लव यू सलमान खान ऑब्वियसली, ही इज माय फेवरेट. एवरीथिंग वाज नाइस. 5 out of 5 आई विल गिव. भाई का काम कैसा लगा? भाई का काम एक नंबर. ऑब्वियसली इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेयर है. केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है दोनों की. Songs are also very nice. Swag, obviously. 5 out of 5. Sub star, jitne hai utne star. Film was really amazing. It was a power pack performance of Salman Khan with all the action, romance, suspense, thriller. And also the Katrina Kaif ka jo role tha, supporting plus unka jab aana tha tab aa gaye, jab jana tha jab chale gaye. Bore nahi kiya unhone ki abhi chalo gana ga rahe, romance kar rahe. To 10% mein wo aa gaye, jo kaam karna tha kar gaye. एंड बाकी जो लाइन्स वगैरह सलमान ने कहा था कि मतलब वतन से मुझे बहुत प्यार है एंड ऑल द थिंग्स, तो उससे एक टचिंग मतलब इमोशनल फीलिंग भी अटैच हो गई. तो ओवरऑल मूवी इज़ रियली अमेजिंग, बट फर्स्ट पार्ट वाज थोड़ा बेटर था थोड़ा सा, बट ये एक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था. ट्यूबलाइट के एवरेज होने के बाद टाइगर इज बैक विद द बैंग और 2017 इज एंडिंग ऑन अ हाई नोट. और ये मूवी में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ दिया है कोई चीज़. एक्शन एक्शन है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, गाने अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है. सलमान नाम ही काफ़ी है, वो तो मूवी चलना ही है. सलमान और इसकी केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है कटरीना की. और सपोर्टिंग कास्ट में अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, परेश रावल, ये तीनों का बढ़िया एक्टिंग था. 5 out of 5. एक्सेलेंट. शिकार तो हर कोई करता है, लेकिन टाइगर जैसा कोई शिकार नहीं करता. मूवी काफ़ी अच्छी थी, सभी का काम अच्छा था एज ऑलवेज. सलमान का और दोनों की जोड़ी एकदम इंटरेस्टिंग थी, सलमान और कटरीना की.
और एज यूजुअल लाइक परेश रावल जिनकी कॉमेडी ऑलवेज एकदम हिट होती है. ओके एंड इस फिल्म से और एक मैसेज दिया है कि देर शुड बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके एंड इफ लाइक मुझे अगर पूछा जाए रेटिंग के बारे में तो रेटिंग आई विल गिव 4.5. ओके एंड इट विल क्रॉस अ बिजनेस ऑफ मोर देन 300 crores. यस 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 एंड एक्शन में वापसी की एंड लाइक ही हैज गिवन अ कॉम्पिटिशन टू कटरीना कैफ. वेलकम.